हेलो गाइज, अभी आप प्रीव्यू में जिस वीडियो को देख रहे हैं, इस तरह का वीडियो आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से और काइन मास्टर ऐप की मदद से बना सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको न्यू वर्जन का काइन मास्टर चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो गाइज, इस तरह का वीडियो बनाना है तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और गाइज, अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो गाइज, चलिए देर न करते हुए आज की इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस जी, सबसे पहले आपको अपना काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से 3:4 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अभी आपको चले जाना है अपनी गैलरी में और गैलरी में जाने के बाद वहाँ से आपको कोई भी एक फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। कुछ इस प्रकार से फोटो ऐड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे साइड में सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एडिटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर 2 वाले फिल स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और ऊपर से यहाँ आ जाएंगे, इसको नंबर 4 तक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद अभी इसी इमेज के वाले लेयर पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको मीडिया पे चले जाना है और मीडिया पे जाने के बाद आपको अपनी गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाने के बाद वहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से फ़ोटो ऐड करने के बाद अभी आपको क्या करना है, मीडिया पे जाना है और आपको यहाँ पर 5-6 फ़ोटो को ऐड कर लेना है अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी से 5-6 फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो आप भी कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जिस भी फ़ोटो को ऐड करना चाहते हैं उस फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। तो गाइज, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लिया है। कुछ इस प्रकार से आपको भी फ़ोटो को ऐड कर लेना है। फ़ोटो ऐड करने का मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा जो ये फर्स्ट वाला इमेज है इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ कैंची के साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से कर लेना है, आपको भी कर लेना है। इतना करने के बाद आपको बराबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से राइट कर देना है। अभी राइट करने के बाद आपको फर्स्ट वाले इमेज पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइड में देखेंगे तो क्लिप ग्राफिक का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको चले जाना स्टोर वाले ऑप्शन पे और इस पर जाने के बाद आपको वहाँ पर मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन पर इन एनिमेशन, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से नंबर 2 वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद अभी सेकंड वाले इमेज पे क्लिक करेंगे और क्लिप ग्राफिक वाले ऑप्शन पे चले जाना है और इन एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगता है, यहाँ पे देखेंगे आप बहुत सारे इफेक्ट हैं, 49 इफेक्ट हैं, तो आपको यहाँ पे जो भी इफेक्ट अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो मैं यहाँ से नंबर 3 वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद अगले वाले इमेज पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक कर देना है, इन एनिमेशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से मैं नंबर 4 वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसी तरह सारे इमेज पे आपको क्या करना है, एक एक करके सभी इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे इमेज पर यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इफेक्ट को ऐड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट वाला बचा है, इस पर भी कर लेता हूँ। तो गाइस, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे फ़ोटो पर यहाँ पर इफेक्ट को ऐड कर लिया है। इफेक्ट ऐड करने के बाद अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे स्पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और इस वीडियो को पहले गैलरी में सेव कर लेना है। तो गाइस, जब तक यह वीडियो गैलरी में सेव हो रहा है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो गाइस, यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो गाइस, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो वीडियो या गैलरी में सेव हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद अभी एक बार फिर से यहीं से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अभी आपको यहाँ क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से नंबर 2 वाले 9:16 को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपने इमेज असिस्ट पे आ जाना है और यहाँ से ब्लैक कलर के इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इसी लेयर पे क्लिक करना है और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा आपको बढ़ा लेना है, पहले वाला जितना वीडियो था वहाँ तक इसे कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो के शुरू में आना है, यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद आपको लेयर पे जाना है और मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको मिलेगा ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो, उसे डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर ऐड कर लेना है कुछ इस प्रकार से। ऐड करने के बाद अभी साइड से थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है
और यहाँ से नंबर दो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अभी साइड से थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्रोमा की का ऑप्शन। आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद आपको लेयर पे जाना है और मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद अभी आपने जिस वीडियो को गैलरी में सेव किया था उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लिया है। वीडियो ऐड करने के बाद अभी इसको जो है क्या करना, हल्का सा ऊपर कर देना, इसी में एडजस्ट कर देना कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ देखेंगे थ्री डॉट, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है इसे सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने के बाद यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद अभी आप देखेंगे तो हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो गाइस अभी इस वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ कोने में सपोर्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से फुल एचडी कर लेना है, इस लाइन को हाइक कर देना है, सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देना है और यह वीडियो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।